हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल द डेली टेक नेटवर्क बूस्टर। और इस प्रिंटर की सीरीज़ में आपको मैं बता दूं कि HP के लेज़र जेट प्रिंटर, कैनन के प्रिंटर की हमारी अभी सीरीज़ हमारे चैनल पर चल रही है। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर काफ़ी सारे प्रिंटर के प्रॉब्लम वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो प्रिंटर है HP का लेज़र जेट प्रिंटर, इसको कैसे आपके नेटवर्क में कॉन्फ़िग करना है, कैसे शेयरिंग करना है, तो इसमें आपको मैं एक एक करके भी दिखाऊंगा। तो आप जैसा कि देख रहे हैं वो वीडियो में सामने, मैं कैमरा में भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपका प्रिंटर को कनेक्ट करना है USB केबल से और उसको बाय डिफ़ॉल्ट CD के थ्रू इंस्टॉल कर देना है और एक किसी लैपटॉप डेस्कटॉप में आपको उसको रेडी कर देना है। जैसे कि सामने आपको जो दिख रहा है, यहाँ पर मैंने मेरे एक सिस्टम में उस प्रिंटर को इंस्टॉल कर रखा है, यानी कि CD के द्वारा। आपके पास अगर नया प्रिंटर है तो उसको इस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हो और उसके बाद आपको कंट्रोल पैनल में जाना है। यहाँ पर एक मैंने विंडोज़ खोली है, आपको सबसे पहले कंट्रोल पैनल में जाना होगा, हार्डवेयर साउंड में जाना होगा, या तो आप डायरेक्ट डिवाइस एंड प्रिंटर में भी जा सकते हैं। आपको ध्यान ही रखना होगा कि आपने पहले से आपका USB केबल प्रिंटर चालू होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, उसके बाद आपको आपका प्रिंटर इसमें ढूंढना पड़ेगा। अब कैसे ढूंढना है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर देखो, एक मेरा प्रिंटर आपको HP लेज़र जेट दिख रहा है सामने। आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि प्रिंटर को डिवाइस एंड प्रिंटर में जाके, या तो यहाँ से कंट्रोल पैनल में भी जा सकते हैं। उसके बाद आपको उसी प्रिंटर को राइट क्लिक करने के बाद आपको उसमें प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ में जाना है। ओके, सो प्रिंटर की प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपको उसको शेयर करना पड़ेगा, यानी कि आपका जो ये मेरा जो PC है, ये मेन एडमिन PC है, तो इसको शेयर करूँगा मैं जब भी आपके किसी भी नेटवर्क में ये शेयर हो पाएगा। ध्यान रखना है आपको कि सेम नेटवर्क होना चाहिए, यानी कि सेम लेन नेटवर्क होना चाहिए आपका, या वो वायरलेस हो या वायर्ड हो, ठीक है। तो यहाँ से देखो, डिवाइस प्रिंटर में यहाँ से भी जा सकते हैं। अभी मेरा HP का लेज़र जेट M1005 का एक प्रिंटर आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले आपको कंट्रोल पैनल में जाके ध्यान ये रखना होगा कि आपने स्कैन का और आपका लेन स्कैन का ड्राइवर आपने इसमें अवेलेबल करा रखा है या नहीं रखा है, ठीक है। तो आपके प्रिंटर के साथ जो DVDs आती है, पहले आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो लेन प्रिंटर नहीं होते हैं उनको भी आप आपके नेटवर्क में बिना वायर के शेयर कर सकते हो, लेकिन पहले एक इस PC को, जैसे कि मैंने इसको एडमिन बनाया है, आपको जैसे कि दिख रहा है सामने, इस PC को मैंने एडमिन बनाया है और इसको मैं पूरे नेटवर्क में शेयर करूँगा। अगर इस टाइप की आपको प्रॉब्लम्स आती है तो आपको थोड़ा वेट करना है, क्योंकि सेम नेटवर्क में कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए थोड़ा ये प्रिंटर टाइम लेता है, पूरा ड्राइवर लोड होने के लिए टाइम लेगा, इसलिए आपको थोड़ा बी पेशेंस। उसके बाद प्रॉपर्टी में जाना है प्रिंटर की। जैसे देखो, यहाँ मैं अभी प्रॉपर्टी में गया, उसके बाद मुझे पोर्ट्स में और शेयरिंग में जाने के बाद इस प्रिंटर को शेयर करना है। आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ अपना नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल के लिए एक प्रिंटर का नाम दे रहा हूँ। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ABCDEFG कोई भी नाम दे सकते हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से। आपको नाम देना है और ये दोनों रेडियो बटन को या चेकबॉक्स को चेक कर देना है, अनचेक होगा, यानी कि आपको सेम नेटवर्क में से शेयर करना पड़ेगा। तो आपका जो HP का प्रिंटर है लेज़र जेट का, या तो कैनन का प्रिंटर है, किसी भी सिस्टम में दो या दो से अधिक सिस्टम, मल्टीपल सिस्टम में आप बड़े आराम से इसको आसानी से कहीं से भी प्रिंट दे सकते हो। आपका नेटवर्क सेम होना चाहिए, ये बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने मेरा सेटिंग चेक कर लिया है, उसके बाद मैं इसे अप्लाई एंड ओके की बटन को प्रेस करता हूँ। देखो, मेरा प्रिंटर रेडी हो चुका है, ठीक है। अब आपको एक बार टेस्ट कर लेना है इसे सबसे पहले। तो टेस्ट करने का मैं तरीका दिखा देता हूँ आपको, कैसे टेस्ट करोगे। आपको कुछ बातों का यहाँ पर याद रखना है कि आपका जो प्रिंटर है विद द हेल्प ऑफ योर USB से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका लेन प्रिंटर नहीं है तो आपका USB से कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद इसी जो आपका एडमिन PC है, इसमें आपको CMD खोलना है, सर्च में CMD या रन करके सर्च बॉक्स में जाना है, रन लिखना है, उसके बाद आपको
CMT खोलने के बाद एक कमांड चलाना है IP कॉन्फ़िगरेशन, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपके सिस्टम का IP कौन सा है। ठीक है, यहाँ तक के आने के बाद आपको दूसरा प्रोसेस और मैं बता देता हूँ। अब चलिए उस सिस्टम पर चलते हैं जिस सिस्टम पर आपको इसको कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, ये मेरा जो PC आपको जो दिख रहा है ना, ये मेरा PC को मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब आपको जो सिस्टम चाहिए अब उस सिस्टम पर चलते हैं। अब इस सिस्टम मेरा और एक सिस्टम है, इस पर मुझे मैं चाहता हूँ कि वो प्रिंटर शेयर हो जाए, बड़ी आसानी से मैं उसे प्रिंट कर पाऊँ। ठीक है, तो चलिए इस सिस्टम पर मैं आपको दिखा देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले गाइस कुछ और बात इंट्रक्शन का आपको याद रखना होगा। अगर आपका सामने उस क्लाइंट सिस्टम से जाने से पहले आपको कुछ बातों का याद रखना होगा कि आपको नेटवर्क और शेयरिंग सेंटर में जाने के बाद चेंज एडवांस शेयरिंग सेंटर में जाना है। ठीक है, मैं गया। उसके बाद में आपको प्रिंटर टर्न ऑफ जो पासवर्ड प्रोटेक्टिंग होता है उसको आपको इनेबल करना पड़ेगा। जिस पासवर्ड प्रोटेक्टिंग को आप इनेबल कर दीजिए, प्रिंटर शेयरिंग को आपको ऑन रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट सेम नेटवर्क में लेन प्रिंटर, जिस प्रिंटर को आप लेन प्रिंटर बना रहे हैं वो काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ आपको देखो, जैसे कि मैंने मेरा शेयरिंग को इनेबल कर रखा है, कई सारे PC में ग्रुप पॉलिसीज या कैंडिडेट की प्रॉब्लम्स होती है, वो आपको फेस करना पड़ेगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको टर्न ऑन विंडोज़ अलाउ रिकवरी डेट पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये भी बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि लेन प्रिंटर काफ़ी प्रॉब्लम्स करते हैं। लेन प्रिंटर की सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके प्रिंटर के काफ़ी सारे प्रॉब्लम के वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर आपको, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि नेटवर्क शेयरिंग में आपको किस टाइप से यहाँ पर हेल्प लेना है। अब चलिए उस सिस्टम पर चलते हैं। ओके गाइस, सो अगेन नाउ दिस सिस्टम क्लाइंट सिस्टम। तो जिस सिस्टम पर आप आ चुके हो क्लाइंट सिस्टम पर, उसको सबसे पहले आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने का तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको कमांड्स चलाना है। ओके गाइस, सो नाउ दिस सिस्टम क्लाइंट सिस्टम अगेन। तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है डिवाइस, और प्रिंटर में जाने के बाद आपको इस प्रिंटर को पहले कॉन्फ़िग करना पड़ेगा। कैसे ढूंढोगे ये लास्ट में दिख जाएगा आपको, लास्ट में दिखेगा। पहले प्रिंटर को पहले जैसा ही आप कॉन्फ़िग कर लोगे, तो इस प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद ये वो सिस्टम है, ये मेरा और एक दूसरा सिस्टम है जिस पे मैंने इस प्रिंटर को मैं लेन प्रिंटर बनाऊंगा, वही यानी कि बिना केबल के वायरलेस जाएगा। इस टाइप का अगर एरर आता है आपको, तो इसको ट्रबल शूट मारना है। ट्रबल शूट मारने के लिए आपको इसी की टेस्ट बटन में जाने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। पहले पोर्ट चेक कर लेना है, प्रिंटर की प्रॉपर्टी में जाने के बाद पोर्ट चेक कर लेना है। पोर्ट चेक करने के बाद आपका USB बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्टेड है कि नहीं है, जो सामने का एडमिन PC है वो आपका कनेक्टेड होना चाहिए। अभी के लिए तो सिस्टम की मैं प्रॉपर्टी में चलता हूँ। यहाँ पर देखो प्रिंटर दिख रहा है। टेस्ट पेज करने के बाद एक एरर आ रही है, जिसमें कि आपको ये एरर काफ़ी परेशान करेगा, जिससे कि आपको ट्रबल शूट करना पड़ेगा। यस कर देना है इसको। यस करने के बाद इस PC को ट्रबल शूट मारना है। ट्रबल शूट करने के लिए यस कर देना है बाय डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद पोर्ट चेक करना है। पोर्ट आपका सिलेक्टेड होना चाहिए। अगर ये USB का पोर्ट आपका सिलेक्टेड नहीं है तो वर्क बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये भी बात को आपको ध्यान रखना है। शेयरिंग में जाके शेयरिंग देख लेना है आपको इनेबल है कि नहीं है। ठीक है, इस टाइप का अनहाइड ऑप्शन आता है, तो आपके विंडोज़ के एडमिन में जाके अगर कोई ग्रुप पॉलिसी लगाई है आपने, तो उसे हटाना पड़ेगा। ये भी आपको बात का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रिंटर के और राइट क्लिक करना है। प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद उसको टेस्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप उसे पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, किस टाइप में आप उसे प्रिंट करना चाह रहे हैं। और कुछ बातों का और आपको ध्यान रखना है कि प्रिंटर की प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपका जो पोर्ट होता है USB पोर्ट वो इनेबल होना चाहिए। उसे चेक कर रहने देना है आपको, उसमें कोई भी आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग नहीं करना है। अब उसके बाद चलिए चलते हैं इस PC में। जैसे ही आप क्लाइंट PC पर आते हो, अगर आपका एडमिन का जो कंप्यूटर है आप उसे ऑलरेडी इनेबल यानी कि शेयर कर चुके हो, तो उसके बाद सबसे पहले आपको क्लाइंट साइट के दूसरे कंप्यूटर पे जाना है, लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, उसमें एक कमांड चलाना है आपको CMD, उसमें चेक कर लेना है आपको, या तो डायरेक्ट एक कमांड चलाना है आपको डबल फॉरवर्ड स्लैश और उस सिस्टम का IP एड्रेस। जैसे ही IP एड्रेस जैसे कि मैं बता देता हूँ, जैसे कि 192.168.1.1 फॉर एग्जांपल के लिए, तो डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा कि आप जैसे ही उसे खोलोगे तो यहाँ पर ही आपको जैसे कि दिख रहा है विंडोज़ खुल जाएगी। उस
प्रिंटर को राइट क्लिक करके उसको आपको कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इस पेज पर आप डायरेक्ट आ जाओगे और ये आपका प्रिंटर बाय डिफ़ॉल्ट शेयर हो चुका है। और ये इस पोर्ट को आपको याद रखना है, ये पोर्ट आपका इनेबल होना चाहिए, ठीक है। एंड दैट्स इट गाइस, दिस प्रिंटर इज़ कम्प्लीटली कॉन्फिग्रेशन एंड ओके वर्किंग फाइन नाउ। और यहाँ से आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके आपके डिपेंडिंग डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। यहीं से आपको टेस्ट कर सकते हैं आपके प्रिंटर को। अगर आप चाहते हो कि और भी आपका 2 से 3 कंप्यूटर या मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट करना चाहो तो बड़ी आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल सुझाव या प्रॉब्लम्स है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, डू कमेंट सेक्शन बिलो। जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर कुछ अननोन एरर या प्रॉब्लम्स आती है तो आपको इसे सर्विसेज में जाके रिबूट कराना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सर्विसेज में जाके गाइस इसको रिबूट कराना पड़ेगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं जाएगी। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं और एक आपका एक बाय डिफ़ॉल्ट इसको वीडियो कॉन्फिगर कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो टिल देन एंड बाय बाय।